हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमने पिछली क्लास में बायोलॉजी का डेमो दिया था, यानी पढ़ाया था आपको बायोलॉजी का। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ाएंगे आपको कोशिका के बारे में कि कोशिका क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। कोशिका समझते हैं कि कोशिका क्या है। कोशिका विज्ञान की शाखा है। कोशिका क्या है? विज्ञान की एक शाखा है। कोशिका क्या है? कोशिका एक विज्ञान की शाखा है। अगर इसकी परिभाषा को देखा जाए तो कोशिका विज्ञान क्या है? कोशिका विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे कोशिका विज्ञान कहते हैं। बट आपके पेपर यानी ग्रुप डी में कोशिका विज्ञान की परिभाषा नहीं आती। सर पूछा ये जाता है इस कोशिका के बारे में कि सबसे पहला इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका जो कोशिका को सेल कहते हैं, ये सेल है क्या? तो इसके है क्या मतलब सबसे पहले इसकी बात खोज, इसकी खोज किसने की? तो कोशिका की खोज के बारे में बात कर लें कि कोशिका की खोज के बारे में किसने बताया, तो वो उसका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में बताया। रॉबर्ट हुक ने बताया कि कोशिका कोई छोटा सा जीव है, बहुत ही बारीक जीव है, जो किसी भी कोशिकाओं को बनाकर काम करता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी बॉडी में जो सबसे छोटा भाग है वो कोशिका है। तो कोशिका को देखा, तो इन्होंने कोशिका देखी तो कैसी देखी? देखी कोशिका देखी तो कैसी देखी थी? मृत देखी। मृत कोशिका किस पर देखी थी? कॉर्क पर। कॉर्क पर मृत कोशिका इन्होंने देखी थी। और इन्होंने देखकर इसका नाम दिया था सेला। इस मृत कोशिका का नाम दिया था सेला। इन्होंने कहा था ये क्या है? सेला है। सेला ये भाषा, ये जो सेला है, ये सेला से ही बाद में सेल बना, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का जो सेला है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। अब ये जो काम इन्होंने किया था, ये किया कब था? इन्होंने जो अपनी खोज की थी, ये जो बताया था, ये 1665 में ईस्वी में बताया था। ये जो काम किया था, ये बताया था, ये 1665 में रॉबर्ट हुक ने बताया था कि जो कोशिका देखी थी वो मृत कोशिका देखी थी और उसको नाम सेला दिया था। और वे सेला क्या था? लैटिन भाषा का शब्द था। आगे बात कर लेते हैं। इन्होंने बता तो दिया कि कोई छोटी सी सूक्ष्मदर्शी देखा था, अपनी स्वनिर्मित, यानी अपनी स्वनिर्मित कोशिका से इन्होंने देखा, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था कि कोशिका क्या है। बताया था कॉर्क पर देखा तो वो मृत कोशिका थी, ठीक, और ये स्वनिर्मित थी। अब इन्होंने ये बातें किसी में बता गई, यानी इन्होंने अपनी किताब लिखी थी उसमें ये सारी बातें बता के गए। तो उस किताब को पूछा जाता है कि इनके द्वारा जो किताब लिखी गई थी उस किताब का क्या नाम? तो देखेंगे किताब, इनकी किताब पूछी जाती है कि वो किताब कौन सी थी। तो इनकी किताब का नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया इंग्लिश में ही याद कर ले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इनकी किताब का नाम था माइक्रोग्राफिया। जो इनकी किताब थी, इस किताब से हमें पता चलता है कि रॉबर्ट हुक ने किसी कोशिका की खोज की थी, वो मृत कोशिका थी और 1665 में कारनामा किया था और 16 और इन्होंने सेला नाम दिया था, यानी जो नाम दिया था वो इन्होंने सेला नाम दिया था। और ये सेला शब्द कहाँ से आया था? लैटिन भाषा शब्द आया था, बाद में ये सेल बना, ठीक। अगर मृत इसने देखी तो जीवित किसी और ने देखी होगी। तो प्रश्न आता है कि जीवित कोशिका किसने देखी? जीवित कोशिका किसने देखी?
तो जीवित कोशिका आपकी देखी थी 1674, 1674 में एबी ल्यूवेन हॉक एक आपके एंटुवेनी ल्यूवेन हॉक है, वो अलग है, लेकिन ये आपके एबी ल्यूवेन हॉक है। इन्होंने 1674 में जीवित कोशिका देखी थी। अब सवाल आता है कि देखी किस पर थी, तो इन्होंने देखी थी, देखी किस पर थी, जो देखी थी वो देखी थी बैक्टीरिया पर, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु पर, जीवाणु पर। ये हम जो आपका पार्ट बना रहे हैं, ये पार्ट फर्स्ट पार्ट है। पार्ट का मतलब भाग, भाग कैसा है, ये भाग दूसरा है, पार्ट फर्स्ट है, भाग दूसरा है। अब हम बात कर ले कि जीवित कोशिका तो 1674 में एवी ल्यूवेन हॉक ने देखी थी, और किस पर देखी थी, बैक्टीरिया पर। बट इन्होंने भी तो अपना कुछ, इनकी बात को पता कैसे चला, इनकी बात को पता चला इन्होंने भी क्या लिखी थी, किताब। इन किताब का नाम क्या है, इनकी किताब का नाम पूछा जाता है, इनकी किताब का नाम पूछा जाता है, इनकी किताब का नाम है द सेक्रेट ऑफ द नेचर। द सेक्रेट ऑफ द नेचर यानी प्रकृति के रहस्य। क्या किताब का नाम क्या था, प्रकृति के रहस्य। इसके लिए क्या है, प्रकृति के रहस्य। एबी ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका देखा था, जो उन्होंने बैक्टीरिया पर देखा था, जो इनकी किताब थी द सेक्रेट ऑफ द नेचर। इस किताब से हमें पता चलता है कि एबी ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका को देखा था। रेलवे ग्रुप डी में अब इनके बारे में नहीं पूछा जाता, क्योंकि पेपर का लेवल बदल चुका है, अब इनकी किताबों के बारे में पूछा जाने लगा है। ल्यूवेन हॉक ने किताब के बारे में और रॉबर्ट हुक की किताब के बारे में ध्यान रखना है। इनकी किताब का नाम माइक्रोग्राफिया है, और एबी ल्यूवेन की किताब का नाम द सेक्रेट ऑफ द नेचर है। इन्हें आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कि वर्तमान में यानी आधुनिक, आधुनिक जनक कौन है, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है। तो आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक हैं स्वानसन। कौन है, स्वानसन। बट आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक हैं ये नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता कि आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक स्वानसन है, तो इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी। तो इसकी किताब का नाम था, इनकी जो किताब थी उनकी किताब का नाम था सेल बुक। क्या नाम था, सेल बुक। ऐसे आपने पूरे YouTube पर भी कहीं नहीं पढ़ा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आइए, तब पूछा जाता है कि आधुनिक कोशिका विज्ञान जो है उसकी जो जनक है वो स्वानसन है, इनकी किताब का नाम क्या है। अब पूछा जाता है एक क्वेश्चन और बहुत पॉपुलर है जो पूछा जाता है कि भारत में, भारत में कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, कोशिका विज्ञान के जनक, भारत में कोशिका विज्ञान के जनक कौन है। तो भारत में कोशिका विज्ञान के जनक हैं
के शर्मा। अब आप कमेंट बॉक्स में इनका पूरा नाम और इनकी बुक, इन्होंने कोई किताब लिखी है उसका नाम बताना है कमेंट बॉक्स में, और इनका पूरा नाम, देखते हैं कौन जवाब देता है। अब हम आगे चलते हैं, इतनी बात हो गई। अब हम बात एक समझेंगे, इसमें से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। कोशिका के अध्ययन, टू स्टडी ऑफ द सेल, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहते हैं कोशिका का अध्ययन क्यों साइटोलॉजी कहते हैं। ये सैकड़ों बार क्वेश्चन आ चुका है, अब ये क्वेश्चन का तरीका बदल चुका है। अब प्रश्न इस प्रकार से नहीं पूछा जाता, प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका के अध्ययन को तो साइटोलॉजी कहते हैं, बट साइटोलॉजी शब्द दिया किसने। सवाल पूछा जाता है कि साइटोलॉजी शब्द दिया किसने। अब हम बात करते हैं कि साइटोलॉजी शब्द जो है ये दिया किसने, दिया किसने, ये जो दिया नाम, ये साइटोलॉजी शब्द है, ये किसने दिया। तो साइटोलॉजी शब्द जो है ये तुम्हारे वैज्ञानिक हर्ट बिंग यानी साइटोलॉजी शब्द हर्ट बिंग ने दिया। एक क्वेश्चन और इससे संबंधित पूछा जाता है, साइटोजेनेटिक शब्द, साइटोजेनेटिक शब्द किसने दिया, साइटोजेनेटिक शब्द किसने दिया। तो साइटोजेनेटिक शब्द मूलर ने दिया। साइटोजेनेटिक शब्द H.T. मूलर ने दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसा आपको अगर ग्रुप डी के लिए पढ़ना है तो ऐसा आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि इस संबंधित ग्रुप डी के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। इसके आगे से भाग नंबर तीसरा नेक्स्ट डे यानी अगले दिन आपको मिलेगा, इसके आगे कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।